देखिए, स्किल लैब जिसको कि हम लोग दक्ष लैब भी कहते हैं, हमारे सफदरजंग अस्पताल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। हमारे स्त्री एंड प्रसूति रोग विभाग में बना हुआ है ये। इसमें हम लोग जो हमारे मेडिकल से संबंधित मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ हैं कुछ, उनको हम लोग कुछ स्किल्स देते हैं, ठीक है। हम उनको कुछ चीज़ों में दक्ष बनाते हैं, इसीलिए हम उसको स्किल लैब या दक्ष लैब कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास बैचेस में कुछ लोग आते हैं जो कि हमें मिनिस्ट्री से हमारे पास भेजे जाते हैं छोटे छोटे बैचेस में, और उनको हम अलग अलग ड्यूरेशंस की, कभी 1 हफ्ते की, कभी 3 हफ्तों की ट्रेनिंग्स देते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसमें प्राइमरीली हम बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हमारे देश में डॉक्टर्स कम हैं और मरीज़ ज़्यादा हैं। उससे हर मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता, या यूँ समझ लीजिए कि अगर 10 मरीज़ हैं उनमें से एक ही ऐसा है जिसको डॉक्टर के पास वाकई जाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर 10 जाने की कोशिश करते हैं तो शायद वो बाकी के 4 या 5 पहुंच जाएं, वो जिसको ज़रूरत है वो छूट जाए। तो हम चाहते ही हैं कि हमारे जो स्पेशलिस्ट भी नहीं हैं, जो MBBS मेडिकल डॉक्टर्स हैं, या जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, या जो हमारी ANMs ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, उनको हम कुछ ऐसी दक्षता देना चाहते हैं, कुछ उनको ऐसी स्किल्स देना चाहते हैं कि वो अपने ही लेवल पे अगर मरीज़ आता है उनके पास तो वो उनको स्क्रीन कर सकें, उनसे बातचीत करके, हिस्ट्री लेके, उनका एग्जामिनेशन करके ये जान पाएँ कि भाई इनको तो हमारे लेवल पे मैनेज हो जाएगा, या ये मरीज़ ऐसा है जिसको कि एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो सेंडिंग द राइट पेशेंट टू द डॉक्टर, स्क्रीनिंग, वो वाली चीज़ के लिए हम उनको तैयार करते हैं। तो हम उनको बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, और उसी को हम लोग स्किल ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है एक माँ और बच्चे की केयर के लिए। मतलब बेसिकली चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी, न्यू बॉर्न, इन पे सेंटर्ड होता है ये। तो मैम, क्या इस जो ट्रेनिंग है इसमें क्या कुछ जेंडर स्पेसिफिकेशन है, या सिर्फ ये सभी के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है? नहीं, ऐसा जेंडर का तो कोई इशू नहीं है। हेल्थ प्रोवाइडर इज हेल्थ प्रोवाइडर, वो मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो मैम ये ट्रेनिंग से क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है इससे जनता के लिए? इससे अच्छा हो रहा, ऑलरेडी हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आज जिनके पास हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, या जैसा मैंने आपको बताया जो भी हमारे स्टाफ नर्सेस हैं, ANMs हैं, जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इस सिचुएशन को तो वही मैनेज कर लेंगे, तो वी गिव देम दैट कॉन्फिडेंस। हम उनको वो स्किल्स देते हैं, उनको हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, उनका हम टेस्ट करते हैं, तो जब वो फील्ड में जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर जाते हैं, तो वो वही काम कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस के संग कर पाते हैं, तो नेचुरली ज़्यादा पेशेंट कवर हो पाता है हमारा, बजाय कि पेशेंट रह जाए। मैम, इस ट्रेनिंग में क्या सिर्फ थ्योरी हिस्सा है, या प्रैक्टिकल के द्वारा भी इनको सिखाया जा रहा है? नहीं, थ्योरी तो इसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। उसके लिए ये हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ करते हैं। हम इनको वीडियोस दिखाते हैं, इनको हमारे पास डमीज़ हैं, उन पे हम इनको प्रैक्टिस कराते हैं। फ्लो चार्ट्स होते हैं हमारे पास, फ्लिप चार्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, और एक्चुअल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। इन सब के थ्रू हम लोग इनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रोल प्लेज कराते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम।